हमारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। उसी की तैयारी को लेकर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई राजेश्वर जी, हमारे संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष शशिकांत त्रिपाठी जी, महिला की अध्यक्ष और हमारे सभी प्रकोष्ठों के मनोज भाई हैं, सोनू जी हैं, अजय जी हैं, पिंटू भाई हैं, सभी हमारे यहाँ पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि 28 तारीख को जो बापू सभागार में पटना के गांधी मैदान के पास जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उसमें हमारे पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी भोजपुर जिला से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के पदाधिकारी अपनी उपस्थिति देते आए हैं। इस बार उससे और बेहतर उपस्थिति भोजपुर जिले की हो, इसके लिए हमारे पार्टी के तरफ से हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, हमारे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह जी यहाँ प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं पार्टी की तरफ से। यहाँ हम सब लोग बैठकर एक समीक्षा बैठक अभी किए हैं और उस समीक्षा में सभी पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है, बढ़ चढ़कर इस स्थापना दिवस में लोग भाग लेंगे और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कृत संकल्पित हैं। उनके संकल्प को पूरा करने में कभी भी हमारे भोजपुर के कार्यकर्ता पदाधिकारी न पीछे रहे हैं न पीछे रहेंगे। एक ऐतिहासिक उपस्थिति भोजपुर जिले की रहेगी। लोजपा राम विलास स्थापना दिवस के बहाने महाजुटान की तैयारी में जुटा हुआ है चुनाव से पहले, ऐसे में विपक्ष और बिहार को क्या संदेश दिया जाएगा 28 नवंबर को? ये प्रत्येक वर्ष पार्टी की ये प्रत्येक वर्ष का 28 नवंबर का स्थापना दिवस मनाया ही जाता है और इसमें कहीं कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। ये अलग बात है कि विरोधी जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारा व्यक्तिगत हमारे नेता कहते हैं कि व्यक्तिगत हमारा कोई मतभेद उनसे नहीं है, लेकिन राजनीतिक विरोध है। राजनीतिक विरोध होने का मूल वजह भी है कि क्यों आज जो सरकार गठबंधन में सरकार चला रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति मीडिया से छुपा हुआ नहीं है और बिहार की वर्तमान परिस्थिति भी मीडिया के साथियों से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में जहां हम एक तरफ बिहार को फर्स्ट देखना चाहते हैं, बिहार को फर्स्ट करना चाहते हैं, वहीं वर्तमान सरकार लगातार 30-35 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद, सरकार चलाने के बावजूद क्या आज तक कर पाई है कि आप लोगों ने छठ और दीपावली के मौके पर देखा होगा कि ट्रेनों में भर भर कर लोग आए बिहार में छठ करने के लिए और फिर बिहार से बाहर जा रहे हैं। रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी जगहों पर सरकार की नीतियों को फेल रहने के चलते लगातार 35 वर्षों तक गलत हाथों में बिहार की सत्ता रहने के चलते आज बिहारी पिछड़े हुए हैं और बेरोजगार हैं। और इससे निजात दिलाने का मात्र और मात्र एक उपाय है कि एक बार सभी बिहारी एकजुट होकर बिहार के एक ऐसे नौजवान को जो बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए कृत संकल्पित है, आदरणीय चिराग पासवान जी को मौका देना चाहिए। नवंबर को जो स्थापना दिवस है उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हम लोग का विजन है, वो हमारे जितने भी कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो भी हमारे पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष, उनको भी उसका एक एक प्रति दिया जाएगा कि आने वाले समय में हमारे नेता का विजन पूरे बिहार में कैसे आम जनों तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे, कि हमारे नेता का जो विजन है कि आने वाले समय में बिहार के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी वो अपने भाषण में भी देंगे और वो जो प्रति जो छप रही है हम लोग का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उसके द्वारा हम लोग सभी को एक एक प्रति जब देंगे तो जो भी गांव-गांव से जो हमारे कार्यकर्ता आएंगे वो जाकर गाँव में हर एक लोग को बताने का काम करेंगे कि हमारे नेता का विजन यह है और आने वाले समय में हम लोग इसको इस प्रकार से करने जा रहे हैं। तो उस दिन 28 नवंबर को पूरे बिहार से हमारे पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं
और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता आएंगे अपने नेता को सुनेंगे और अपने नेता की बातों को सभी के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। और 28 नवंबर की तैयारी के लिए आज हम लोग का जो बैठक था उस बैठक में भोजपुर जिला से ज़्यादा लोग पहुँचे उसकी आज हम लोग तैयारी की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कैसे भोजपुर से ज़्यादा लोग पहुँचे और भोजपुर से हमेशा ज़्यादा लोग पहुँचे भी हैं, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि फिर इस बार भी भोजपुर नंबर वन पे रहे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार से कितने लोग संभावना? देखिए पूरे बिहार से हमेशा ही हम लोग अमूमन 15 से 20 हज़ार लोग पहुँचते हैं, क्योंकि बापू सभागार जो छोटा जगह है, लेकिन इस बार चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पहले से ही आने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है कि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए आरक्षण तो आज से लागू भी हो गया है और सरकार अपना जो आरक्षण का मुद्दा था उस पर आज महामहिम राज्यपाल जी का भी आज हो गया है, कल हस्ताक्षर भी हो गया था और आज से लागू भी हो गया है। आज के बाद जो भी सरकारी नौकरी होगी उसमें सभी में ये लागू कर दिया गया है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पूरी मजबूती के साथ इसके समर्थन में खड़े थे और हमेशा ही आरक्षण के पक्ष में रहे। बेहतर कदम है, लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है। देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इन लोग का जो है इसमें हम लोगों का कुछ हस्तक्षेप हो नहीं सकता है, ये तो मतलब न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका उसमें क्या करती है ये तो हम लोग को नहीं पता है कि अब आने वाले समय में उसको रोक दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, ये न्यायपालिका का मामला है, इसमें किसी के हाथ के ये चीज़ नहीं है। हरियाणा में ये पहले से लागू था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ का सरकार का काम है इसको देना और हमारे पार्टी के नेता इसके समर्थन में थे, अब आने वाले समय में अब न्यायपालिका इसको रद्द करती है या फिर इसमें कोई चेंजिंग करती है या फिर इसको पुराने धरे पर ले जाती है तो न्यायपालिका की बात। तो लगता है कि आरक्षण के बलबूते पर बिहार को आगे ले जाने की तैयारी सरकार और लोजपा रामविलास कर रही है और ये सफल होगा? आरक्षण की जहाँ तक बात है तो उसमें सरकार का जो है ये अभी जो बढ़ाने का है इसमें सभी लोग जान रहे हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि सामने चुनाव है, अगर बढ़ाना ही था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि आज की बात नहीं है, आज 2-3 साल पहले इस पर बैठक हुआ और बैठक करके और आपने इसको बंद बस्ते में डाल दिया और जब चुनाव के समय आया तो आपने इसको निकाल दिया, आपको बढ़ाना था आप इसको 3 साल पहले बढ़ाते, लेकिन इन वक्त पर जब चुनाव का समय आ गया है तब आप आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? आरक्षण 3 साल पहले बढ़ा दिया जाता, जो लोगों को आज फायदा मिलने जा रहा है उसको 3 साल पहले से मिलता, तो ये सब तो चुनावी दर्रा में बात हो रही है और अभी तो बहुत सारी चीज लॉलीपॉप घोषणा होती रहेगी सरकार के द्वारा, तो ये सारा चुनावी प्रक्रिया है। और काम करिए और आगे बढ़िए। मयूर पांडे जी जल्दी जिला राजेश शाह जी आइए, सब लोग को प्रखंड का प्रभारी सबसे ज्यादा मेहनत सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर जानते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक जी हमारे चलिए तो हो गया बाबा।